तो इस तरह से ये हमें शिक्षा मिल रही है इन श्लोकों के माध्यम से, भागवत के श्लोकों के माध्यम से, कि किस तरह से हमें सचेत रहना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को कृष्ण भावना भावित होने के लिए चिंता करनी चाहिए कि क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। तो ये हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए 2020 के लिए, आने वाले वर्ष के लिए। आज से हमें सोचना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, जैसे कि कार्तिक का एक संकल्प होता है, तो इसी तरह से इस साल का शुभारंभ है। वैसे तो अगर हम लोग वैश्विक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हमारा नया साल गौराब्ध के दिन है, यानी कि गौर पूर्णिमा का दिन जो है वो हमारे गौड़िया वैश्विक कैलेंडर के अनुसार वो है हमारे लिए नया साल। लेकिन क्योंकि पाश्चात्य जगत का बहुत प्रभाव है हमारे ऊपर, इस देश के ऊपर खासकर, और अन्य देशों का प्रभाव ज़्यादा है, हमारा प्रभाव कम है, तो पाश्चात्य जगत का इतना प्रभाव है कि पूरे विश्वभर में नया साल आज के दिन ही मनाया जाता है। कितने देखिए अद्भुत बात, क्या उनका देखिए उनका इन्फ्लुएंस रहा है, क्या उनका प्रभाव रहा है ब्रिटिश एम्पायर का पूरे विश्वभर में, कि लोग उनके कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा एक समय आना चाहिए, इस प्रकार हम भी शो कर सकते हैं, ऐसा समय आना चाहिए कि हमारा नया वर्ष मनाया जाए गौर पूर्णिमा के दिन, पूरा विश्व जो है मनाए गौर पूर्णिमा के दिन, जो लोग क्या मनाए नए वर्ष मनाए, वो होना चाहिए वास्तव में नया साल। लेकिन जो भी है, क्योंकि हम जैसे एक समाज में रह रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं कि लोगों के साथ हमें मिलजुल कर चलना पड़ता है, तो नए साल का उपयोग हम लोग नए सिरे से हम लोग शुरू कर सकते हैं और उन सबको बता सकते हैं नया साल तो आपका है, लेकिन नए साल में हम नया क्या कर रहे हैं, सबको तो पुराना कर रहे हैं आप। तो इस तरह से ये यहाँ पर शोक किया जा सकता है कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों हमारा हृदय निर्मल नहीं हो रहा है, क्यों हम अनर्थों से अभी भी जूझे हुए हैं, और क्यों हमारा जो मन जो है कृष्ण के चरणों में नहीं लग रहा है, क्यों, वाई, ये हमारे लिए होना चाहिए प्रश्न चिन्ह 2020 की शुरुआत में। नहीं तो फिर वही हो रहा है जो हो रहा है, यानी कि जैसे गीता का सार लोग बोलते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल किसने देखा, कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं, कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पहले भी माया में थे, अब भी माया में हो, आगे भी माया में रहोगे, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल भी खाया था आपने, पिछले साल भी पेट साफ किया था, इस साल भी वही करो, पिछले साल दांत साफ किया था, इस साल भी दांत साफ करो, पिछले साल भी सांस ले रहे थे, इस साल भी सांस ले लो, नहीं, और पिछले जन्म में शरीर छोड़ता, इस जन्म में भी शरीर छोड़ो, और कुछ जन्मों पहले तुम नरक में थे और अभी भी तैयारी कर रहे हो नरक जाने की, तो नया क्या हुआ, फिर नया साल क्या हुआ, नए साल में हमने क्या ऐसा अब करना चाह रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं, जिसके आने पर हम एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, इसमें है, इसमें किस प्रकार का हैप्पीनेस है, किस प्रकार की खुशी है, नहीं, जो बचपन से जो करते आए वही करते आ रहे हैं। जब पुराना कपड़ा होता है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, फट जाता है उसको फेंक देते हैं, नहीं, तो न्यू तो जब हैप्पी तो तब होगा जब आपको नया वस्त्र मिले, नए कपड़े मिले और नया स्वेटर मिले, नया जैकेट में, तभी आप खुश होते हैं। लेकिन अगर हमारी सारी क्रिया अगर वही रहेंगी जो हम करते आए हैं तो फिर नया साल क्या हुआ, नया साल तो कुछ भी नहीं। नया साल का मतलब है कि हम अपराधों से बचना है, नया साल का मतलब है कि मैं किसी तरह के वैष्णव अपराध नहीं करने हैं, कोई नाम अपराध नहीं करना है, कोई सेवा अपराध नहीं करना, अधिक से अधिक हमें सेवा करनी है गुरु के चरणों में, वैष्णव के चरणों में, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है, माया के प्रभाव से बचना है, ये सब जो है हमारी चिंता होनी चाहिए, इसका हमें शोक करना चाहिए कि ये हो नहीं रहा है। हर बार हम संकल्प लेते हैं, हर वर्ष लेते हैं संकल्प, अब से हम ठीक भक्ति करेंगे, ठीक से भक्तों का संग करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, खूब प्रचार करेंगे, खूब सेवा करेंगे, नहीं, लेकिन फिर घुमा फिरा के हम वहीं पहुंच जाते हैं, रेजोल्यूशन हमारा डिसोल्यूशन में बीत जाता है, नहीं, रेजोल्यूशन जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं।